चुप रहना ही बेहतर है, चुप रहना ही बेहतर है ज़माने के हिसाब से, चुप रहना ही बेहतर है ज़माने के हिसाब से, धोखा खा जाते हैं अक्सर ज़्यादा बोलने वाले, ज़्यादा एतबार करने वाले, ज़्यादा भरोसा करने वाले। जी हाँ दोस्तों, मैं दिव्यागम चैनल से संडे स्पेशल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके मन की बात, एक समाज के मन की बात करने वाले हैं, कोई मोटिवेशनल नहीं, वास्तविक है। आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा ये आज का टॉपिक। बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप में देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि हम आज ऐसे मतलब सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है, युवाओं के लिए है नहीं, युवतियों के लिए नहीं है, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए है, सभी उम्र के लोगों के लिए है। दोस्तों, मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, और वो इतनी दूर चला गया जितना करीब था, जितना करीब था। जी हाँ दोस्तों, धोखा नहीं, प्यार मोहब्बत वाला धोखा नहीं, यहाँ पे गलत हैं आप। धोखे की बात करें, आप पता है आदमी को तकलीफ कब होती है? पता है आदमी को तकलीफ कब होती है? तकलीफ तब होती है जब हम किसी से ज़्यादा इच्छा रख लेते हैं कि ये शख्स, ये मेल, ये फीमेल हमारे लिए बहुत कुछ कर जाएगा। समय आने पे कि ये अपने आप को समर्पित कर देगा, कलेजा चीर कर दिखा देगा, दिलो जान से आपका काम करेगा। और तकलीफ तब होती है जब वो आपके जज्बातों की कदर ना करते हुए, आपके सहयोग का कदर ना करते हुए, आपने जो समय दिया है, आपने जो उसके साथ में कर्म किया है, जो सहयोग किया है, तन मन धन जो भी उस समय, वो सब भूल कर तब आप अगर छोटा सा भी काम कह देते हो किसी प्रकार से, तो बड़ी उसको दिक्कत होती है, बड़ी उसको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को खरा नहीं उतार पाता है, कारण कोई भी रहा हो। मैं नहीं कहता सभी लोग खराब होते हैं, लेकिन कारण कोई भी रहा हो दोस्तों। एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हमें तकलीफ कब होती है, जब हम अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, आज तकलीफ पे ही बात कर लें, हम अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, सहपाठी से, सहकर्मी से, स्टाफ से, पड़ोसी से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, और उस पर क्या होता है, हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। इस जमाने में सबसे खराब बात जानते क्या है, आप 99 दिन या महीने की बात कीजिए, 29 दिन उनको समर्पित करके बात कीजिए, समर्पित अपने को समर्पित करके काम कीजिए, साथ दीजिए, और गलती से वो भी एक दिन का काम ना करें, एक काम ना करें, तो दुनिया में आपसे खराब व्यक्ति कोई नहीं है, आपसे खराब व्यक्ति कोई नहीं है। क्या किया उन्होंने, क्या कर लेंगी वो, क्या करते थे? कुछ नहीं किया उसने, खाली वैकल्पिक चीजें की, मैंने बहुत किया दोस्तों, नहीं है। इंसानियत को जगाइए, जाति धर्म की बात नहीं, इंसानियत को जगाइए। खान सर एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, मुझे उनकी बातें याद हैं, कि कोई स्टूडेंट उनको एक्सेल पेमेंट देता है तो उसको वापस कितना करना चाहते हैं एजुकेशन के लेके, कि वो 1x देता है तो उसको 4x रिप्लाई देते हैं। इतना तगड़ा जबरदस्त होना चाहिए, और सब 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 हमारे हृदय से, सब मन से। आजकल तमाम रिश्ते सब व्हाट्सएप फेसबुक पे खत्म हो गए हैं। अरे वो अब तो वो भी खत्म हो रहा है, अब तो स्टेटस देख लिया मामा का, नाना का, दादा का, भाई का, दोस्त का, उन्होंने उनका देख लिया, कोई खबर लेने की जरूरत नहीं कि कैसे होंगे, कैसी होंगी, क्या परेशानी होंगी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। मानवता खत्म होती जा रही है, मेरे हिसाब से तो नहीं सही है, आपके हिसाब से हो तो अलग चीज है, सामाजिक स्तर पर तो नहीं सही है। सिर्फ फॉर्मेलिटी बची मेरे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है, क्योंकि वो जरूरी है। लगता है इंसान को कि मैं फॉर्मेलिटी कर दूंगा, अरे यार अभी भिजी हूं, बात बात करना यार, अरे यार बहुत और मतलब मैंने तो, मेरे साथ में कल अजीब सा एक हुआ कि मैंने एक लोगों को फोन किया, तो मैंने कहा चलो मैं अधिकांश अपनी तरफ से फोन और मैसेज व्हाट्सएप कर देता हूँ लोगों को, जो एक बार भी मिले उनको, जो भी कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक बार जरूर याद कर लूँ, माध्यम कोई भी रहा हो, व्हाट्सएप पे वीडियो भेजना हो, कोई गुड मॉर्निंग भेजना हो, गुड नाइट भेजना हो, कैसे हो आप, कैसी हो आप, ऐसा मैं, ये मेरी आदत है, मैंने अपनी आदत बना रखी है। मैंने एक शख्स को कल फोन किया,
तो इतना प्यार मतलब जता रहा था फोन पे कि वास्तव में कि मतलब उनसे खास कोई है ही नहीं, मतलब मुझसे खास उनके लिए उस समय कोई नहीं है। ये होता है दोस्त, मैं समाज की बात मतलब वो बात नहीं करता किताब से पढ़ के, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप साथ में भी होती होंगी। किसी इसी का मतलब दूसरा रूप जानते हैं, दूसरा रूप जानते हैं इसका, दूसरा रूप इससे इससे पहले का रूप, ये तो बात का रूप हुआ। पहले का रूप जब आपसे कोई काम, बात का रूप हुआ, पहले का रूप जब आपसे कोई काम होगा, आपसे आपसे कह रहा हूं, आपसे जब कोई काम होगा, दादा भाभी दीदी जीजा फूफा मौसा जो माता पिता जो रिश्ता दूर का लगता होगा, कहाँ का दूर का, वो रिश्ता निभाएंगे। अरे मेरी तो बुआ की मौसी की लड़की की बहन वही आप ही के गांव में तो है, आप ही की तरफ है, गांव में तरफ है, आप ही के शहर में, तो अगर आपसे काम होना है, अरे आप जीजा क्या बात कर रहे हो आप, अरे मौसा जी क्या बात कर रहे हो, अरे फूफा कैसी बात कर रहे हो, आपके लिए हम क्या हुआ, आप दूर के, क्या हुआ, हम आपको दिल से मानते हैं, कहीं कोई काम हो बताइएगा। और जैसे ही आपका काम उनका काम निकलता है, हेलो हाँ भैया क्या हाल चाल है, हाँ अच्छा 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 अभी हम बिजी हैं थोड़ा ऑफिस में हैं, बाद में बात कीजिएगा आप, अब बाद में या शाम को बात कीजिएगा, वो शाम कई शामें गुजार देती है, बात नहीं होती है। तो दोस्तों मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि आदमी धोखा वहीं पे खाता है जहाँ पे भरोसा होता है, जहाँ पे भरोसा होता है निश्चित रूप से धोखा वहीं खाता है। ये बात तो आप जानते हैं, मानते हैं, अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूँ, अपने खिलाफ मैं बातें अक्सर खामोशी से सुनता हूँ, जब जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है, जवाब देने का मैं नहीं देता हूँ, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है, मैंने वक्त को दे रखा है। दोस्तों यही सब चीज़ें हैं कि तकलीफ इंसान को तब होती है ना, तकलीफ दर्द परेशानी उलझन विश्वास मानिए, जब इंसान क्या करता है, हद से ज्यादा करता है, क्या करें, मानव शरीर है आपके नेचर में है, बदतमीजी नेचर में नहीं है, और क्या बोलते हैं इसका घमंड नेचर में नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को, उल्लू सीधा करना नेचर में नहीं होना चाहिए, काम निकल जाने पे पहचानते नहीं, काम निकल जाने पे पहचानते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे इस वीडियो से आपको अगर लगे वास्तव में कि हाँ कुछ है वास्तव में, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से रिश्तेदार आपके भी होंगे, आपसे कह रहा हूँ, आपके भी कैसे वो तमाम से रिलेशन में दोस्त अहवाल पड़ोसी कि मतलब सब नहीं है, इतना मतलब आपको आपने उनके साथ में किया होगा, बिल्कुल किया होगा, तन मन धन जो भी आपके औकात है, जो भी आपके शरीर से हो सकता है, जब भी आपकी पॉकेट से हो सकता है, जो भी आपके सिस्टम से हो सकता है, जो भी आपसे सार्थक होगा, जायज होगा, लीगल होगा, वो कर किया होगा। लेकिन जैसे ही काम निकल गया, बना काम नहीं बना वो तो डजन मैटर, आपने कोशिश की वैसे निकल गया, कौन कैसे जानते नहीं, वो समय निकल जाने के बाद में जैसे कैलेंडर चेंज कर देता है, 2023 चल रहा है, 22 का नहीं पता मुझे कहाँ गया होगा, अरे मेरे पास रखा हुआ है, 22 का नहीं पता, 20 का नहीं पता, 21 का नहीं पता, 18 का, लेकिन इंसान को दिमाग में रखना चाहिए, क्यों हम आपसे छल कर रहे हैं, हम आपको भूल रहे हैं, समझे, तो ईश्वर हम पे, उससे तो कुछ छुपा नहीं, छत जरूर है लेकिन उससे तो छुपा नहीं कुछ है, ईश्वर से भगवान से अल्लाह से गॉड से उससे तो कुछ छुपा नहीं, वो यही देगा ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि किसी शख्स ने अगर निस्वार्थ आपके साथ में कुछ किया है, बगैर अपने को समर्पित किया है, अपने धन को समर्पित किया, अपने समय को, और धन बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा यहाँ पे, अपने को समर्पित मैं तवज्जो ज्यादा देना चाहूंगा कि हम अपने को तवज्जो देते हैं, हम आपके साथ में गए, हम फला शख्स आपके साथ में गया, उसका उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सब चीजें बहुत मतलब मुझे लगा आज मोटिवेशनल नहीं होगी, आज बात मोटिवेशनल नहीं होगी, आज बात हक की होगी, आज बात जायज होगी, आज बात सीधे दिल पे अटैक करने वाली होगी, सीधे दिल को छूने वाली होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा, छोटा सा एपिसोड अच्छा लगा, तो इस शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट आता है तो हमारा हम सबका दिल प्रफुल्लित हो जाता है। चलो अब जाने चलो इस इन लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि संडे है, संडे में आपको भी बहुत काम होता है। चलो अब जाने भी दो, चलो अब जाने भी दो, करो मेरी जज्बात क्या करोगे मेरे जज्बात सुनकर, चलो जाने तो छोड़ो, चलो जाने भी दो क्या करोगे मेरे जज्बात सुनकर,
खामोशी तुम मेरी समझ जाओ मेरे बयां करने से पहले, खामोशी तुम समझ जाओ मेरे बयां करने से पहले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले संडे को किसी नए टॉपिक पे, जो टॉपिक आप बता दिए आपका दोस्त हाजिर है। तब तक लिखिए अलविदा।